नमस्कार दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो एलटी ग्रेड जीएस प्रिपरेशन का एक मॉक टेस्ट है, जिसमें हमने अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें से कोई न कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। अगर ये प्रश्न सीधे सीधे नहीं आते हैं तो कोई न कोई इससे जुड़ा हुआ तथ्य भी पूछा जा सकता है। हर प्रश्न की हमने विस्तृत व्याख्या की है ताकि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल सके, साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नई जानने को मिलेंगी। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी सवाल करते हैं कि जीएस का यह पोर्शन जो कि एलटी ग्रेड परीक्षा का एक हिस्सा है, क्या सबके लिए कॉमन है। तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ कि हाँ, ये सबके लिए कॉमन है। 30 सवालों का ये सेट होगा, जो कि सभी आपने चाहे जिस भी विषय से आवेदन किया हो, सभी को आप इसको अटैम्प्ट करना होगा। सही उत्तर देने पर आपको एक अंक मिलेंगे और गलत उत्तर देने पर एक तिहाई अंक, यानी कि 0.33 जो मार्क होंगे वो काट लिए जाएंगे। माइनस मार्किंग की भी व्यवस्था है, तो इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर से जीएस के लिए, और ये सबके लिए है, आपने चाहे जिस विषय से आवेदन किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर पहला सवाल है, रियासत झांसी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया था। चार ऑप्शन है, राज्य अपहरण नीति के माध्यम से, बी सहायक संघ की नीति के माध्यम से, सी रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध युद्ध के माध्यम से, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। देखिए, लॉर्ड डलहौजी जो कि ब्रिटिश भारत का एक गवर्नर जनरल था, 1848 से लेकर 1856 तक उसका कार्यकाल था। कब से कब तक? 1848 से लेकर 1856 तक। तो इसने लैप्स ऑफ डॉक्ट्रिन नाम की एक नीति अपनाई थी, जिसमें उसने क्या किया था कि हिंदू राज्यों के उत्तराधिकार से संबंधित कई सारी गलत नीतियाँ बनाई, और इसके अंतर्गत ये देखा जाता था कि अगर किसी हिंदू राज्य के का कोई वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसको ये लोग ब्रिटिश राज्य में मिला लेते थे। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंतर्गत ये एक राज्य माना जाता था। इसको कई नाम से जानते हैं, राज्य अपहरण नीति, राज्य व्यपगत नीति, राज्य हड़प नीति। एनीवे, यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। ओके, और ये संबंधित है लॉर्ड डलहौजी से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक दोषी का शिकार बन गया था? तो यहाँ पर सही जवाब होगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का नाम अगर हम बात करें तो इतिहास में काफ़ी चर्चित है, इसने कई सारे कार्य किए थे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड मेयो से पहले भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लॉरेंस। ठीक है, लॉर्ड लॉरेंस जो था ये भारत का वायसराय था, और ये उसके बाद जो है लॉर्ड मेयो आए। लॉर्ड मेयो का भारत आगमन कब हुआ था? 8 फरवरी 1872 को। 8 फरवरी 1872 को भारत का वायसराय बनकर लॉर्ड मेयो आया था। एक बात यहाँ पे और आप ध्यान रखिएगा कि ये भारत का पहला वायसराय था और शायद अंतिम भी, जो ऑफिस में मारा गया था। इसकी हत्या अंडमान द्वीप में इनके ऑफिस में की गई थी। एक अफगान जो है अपराधी था, उसको सजा मिली थी और वो लॉर्ड मेयो से खपा था, उसी ने लॉर्ड मेयो की हत्या की थी अंडमान द्वीप पर उसकी यात्रा के दौरान। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लॉर्ड मेयो के बारे में, वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अजमेर में जो मेयो कॉलेज है, जिसमें भारत के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, राजा थे, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी लॉर्ड मेयो के द्वारा। लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में कृषि विभाग की भी स्थापना की गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो आप जान लो, 1872 में भारत में पहली प्रायोगिक जनगणना जो हुई थी वो लॉर्ड मेयो ने ही कराई थी। बाद में 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्य के बाद ये जनगणना जो थी वो नियमित हो गई थी। तो यहाँ पर ये काफ़ी ही मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं लॉर्ड मेयो से जुड़े हुए, और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मराठा और अफगान। पानीपत में तीन लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, और जिस लड़ाई की बात यहाँ पर हो रही है, यानी कि पानीपत का तीसरा युद्ध, यह 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। कब? 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। ओके, मराठा और अफगानों के बीच में। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, ये आप याद रखना। अब पांचवा सवाल है, पहले आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई संधियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखो जो सवाल है उसको ध्यान से पढ़ो, आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों और मराठों के बीच संधियां, यानी कि ये जो संधियां हुई हैं ये अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी, तो आपको इनको व्यवस्थित करना है कालानुक्रम में। तो चलिए हम आपको बताते हैं, सबसे पहले होती है सूरत की संधि। सूरत की संधि कब हुई थी? सूरत की संधि हुई थी 1775 में। ठीक है, कब हुई थी? 1775 में, राघोवा और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, राघोवा। ओके, उसके बाद बात होती है पुरंदर की संधि की। पुरंदर की संधि कब हुई थी?
1776 में, यानी कि उसके जस्ट अगले साल पुरंदर की संधि हुई थी मराठाओं के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। उसके बाद नंबर आता है बड़गांव संधि का, ये संधि हुई थी कब, 1779 में हुई थी। और लास्ट में नंबर आता है सालबाई की संधि का, सालबाई की संधि कब हुई थी, 1782 में हुई थी। और ये जो सालबाई की संधि थी, इस संधि के फलस्वरूप 1775 से चल रहा जो प्रथम मराठा युद्ध था वो समाप्त हो गया था। तो ये संधियाँ इस क्रम में हैं, और अगर हम देखें यहाँ पे तो 4, 2, 1, 3, और इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए मकबूल फिदा हुसैन, बी जाकिर हुसैन, सी उल्लास कासकर और डी यामिनी कृष्णमूर्ति। तो आपको पता ही है मकबूल फिदा हुसैन के बारे में, 2011 में इनकी मृत्यु हुई थी और ये किससे संबंधित थे, चित्रकला से। ठीक है, बात करते हैं जाकिर हुसैन की, तो ये तबला वादक थे, इनके बारे में भी आपको पता ही होगा, तबला वादक थे, तो इनका एक हो गया। यामिनी कृष्णमूर्ति जो थी ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं और उल्लास कासकर ये शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये इसका सही हो गया सुमेल। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित शासकों की सहिष्णुता पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं, गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम, पल्लव राजा सिंह वर्मा, राजपूत राजा अमोघवर्ष, या फिर डी कलिंग नरेश खारवेल, पांचवा है हरेक वंश का राजा उदयन। अब सवाल है कि उपर्युक्त में से कौन कौन जैन धर्म के अनुयायी थे, तो जैन धर्म के अनुयायी कौन कौन से थे, तो इसमें अगर बात करें तो तीसरा नंबर राजा अमोघवर्ष, कलिंग नरेश खारवेल और हरेक वंश का राजा उदयन, ये तीनों ही जैन धर्म को मानने वाले थे। तो यहाँ पर ऑप्शन 3, 4 और 5 सही है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, ये हमें पता करना है। तो चलिए बात करते हैं, ब्रह्म स्वामी आनंद तीर्थ से संबंधित है, ये तो सही है। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय था एक जो कि स्वामी आनंद तीर्थ से संबंधित है, ये सही है। वैष्णव संप्रदाय स्वामी मच्छेंद्रनाथ, देखो स्वामी मच्छेंद्रनाथ इनका एक नाम और भी है, इनको मत्स्येंद्रनाथ से भी जाना जाता है, इनको कहा जाता है मत्स्येंद्रनाथ। ठीक है, अब इनका नाम देखो नाथ जुड़ा है ना, यहाँ पे बाकी लोग तीर्थ हैं या स्वामी हैं, ये नाथ से जुड़े हैं, इसलिए ये नाथ संप्रदाय था एक, ये उससे जुड़े हुए हैं, वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं हैं। तो आपका सुमेलित कौन सा नहीं है, बी सुमेलित नहीं है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी सही है, सनक संप्रदाय स्वामी निरंबार, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी स्वामी मच्छेंद्रनाथ इससे जुड़े हैं, नाथ संप्रदाय से। ओके, चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित सामाजिक सांस्कृतिक घटकों पर विचार कीजिए। छुआछूत का बहिष्कार, बुद्ध की उपदेश पद्धति, बौद्ध संघ में स्त्रियों का समामेलन, आस्तिक रूप में मूर्ति पूजा का प्रचलन और पांचवा है वातावरण और राजाश्रय। अब यहाँ पे है कि उपर्युक्त में से कौन बौद्ध धर्म के लिए उन्नतिकारक सिद्ध हुए, तो ये देखो यहाँ पे उन्नतिकारक की बात हो रही है, यानी कि कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं ऊपर जिससे बौद्ध धर्म की उन्नति हुई। तो यहाँ पे छुआछूत का बहिष्कार ये तो सबसे बड़ा कारण था जिससे बौद्ध धर्म की उन्नति हुई, बुद्ध की उपदेश पद्धति काफ़ी प्रभावशाली थी, ये भी सही कारण है। बौद्ध संघ में स्त्रियों का समामेलन, इसको सही नहीं माना जाता, ये माना जाता है कि जब बौद्ध धर्म में स्त्रियों का आगमन हुआ तो उसके बाद से जो बौद्ध जो भिक्षुक थे उनका चारित्रिक पतन हो गया, ऐसा लिखा गया है किताबों में। ओके, आस्तिक पूजा रूप में मूर्ति पूजा का प्रचलन, ये भी सही नहीं है। वातावरण और राजाश्रय, ये सही है। तो यानी कि ऑप्शन 1, 2 और 5 सही हैं, तो 1, 2, 5 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है, तो ये आपका विकल्प सही होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोक्ष की प्राप्ति जैनियों का परम लक्ष्य है। दूसरा है जैन अनुयायी सृष्टि की नित्यता में विश्वास करते हैं। तीसरा है जैन सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में आत्मा का अस्तित्व मानते हैं। चार है जैन अनुयायी ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं। अब आपको बताना है कि उपरोक्त दिए गए कथनों के संदर्भ में कौन कौन से सही हैं। ठीक है, तो देखो हमने विकल्प तो आपके लिए पढ़ दिए और इसका सही उत्तर क्या होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपका 10 और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी। ठीक है, देखो यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति जैनियों का परम लक्ष्य है, ये भी सही है। जैन अनुयायी सृष्टि की नित्यता में विश्वास करते हैं, ये भी सही है।
जैन सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में आत्मा का अस्तित्व मानते हैं, ये भी सही है, लेकिन जैन अनुयायी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। ओके, यही एक तथ्य ऐसा है जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता है। जो बौद्ध धर्म है वो भी और जैन धर्म है वो भी, ये दोनों धर्म ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, आत्मा और ईश्वर की सत्ता में यहाँ पर विश्वास नहीं किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शैव धर्म की प्राचीनता प्रागैतिहासिक है। ऋग्वेद में इन्हें व्रात्यों का स्वामी कहा गया है। लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। दक्षिण भारत में शैव धर्म के उपासक पाशुपत कहे जाते हैं। पल्लव राजा सिंह वर्मा और नंदीवर्मन द्वितीय शैव मतानुयायी हैं। अब बताना है आपको कि कौन कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही कथन सत्य हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। शैव धर्म की प्राचीनता प्रागैतिहासिक है, ये सही है। ऋग्वेद में इन्हें व्रात्यों का स्वामी कहा गया, ये भी सही है। लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में नहीं मिलता है। लिंग पूजा का जो प्रथम उल्लेख है ये मिलता है मत्स्य पुराण में। किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण। तो ये याद रखना, मत्स्य पुराण में मिलता है लिंग पूजा का पहला जो उल्लेख है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दीज स्टेटमेंट्स ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 एंड 2 ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट, तलवार बंधाई रस्म संबंधित है किससे? चार ऑप्शन है और सही विकल्प है यहाँ पे ऑप्शन 1, नए जागीरदार की गद्दी नसीनी के समय उत्तराधिकार के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाले उत्तराधिकार शुल्क कहा जाता था तलवार बंधाई का रस्म। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत का एक संघ होना चाहिए जिसमें ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतें सम्मिलित होनी चाहिए। दूसरा कथन, ब्रिटिश सरकार शीघ्रातिशीघ्र भारत का शासन जनता द्वारा निर्मित सरकार को सौंपना चाहती है। 3, ब्रिटिश सरकार वर्तमान संविधान सभा के कार्यों में कोई बाधा डालना नहीं चाहती है। 4, सिंध प्रांत की विधानसभा को अपनी इच्छा प्रकट करने का अवसर दिया जाएगा। अब यहाँ पे है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन माउंटबेटन योजना से संबंधित है। तो अगर माउंटबेटन योजना के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर कथन 2, कथन 3 और कथन 4 संबंधित हैं। ठीक है, जो कथन 1 है ये गलत है। तो 2, 3, 4 सही हैं और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन D जो है ये सही माना जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन D है ये यहाँ पे सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारतीय संगीत की निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है? ये बताना है आपको कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए, चित्रांगदा गीत नाट्य है। 2, श्यामा नृत्य नाट्य है। सी, चंडालिका गीत नाट्य है। या डी, वाल्मीकि प्रतिभा गीत नाट्य है। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर ए, बी और डी ये तीनों ही सही सुमेलित हैं और सी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के सोलापुर क्षेत्र में प्रचलित लोक नृत्य धन गेरी गज, अब यहाँ पे देखो एक बार दिमाग में रख लेना, धन गेरी गज ये कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। ठीक है, वहाँ का ये लोक नृत्य है। तो एक सवाल तो आपका यहीं पे तैयार हो गया। अब बताना है आपको कि धन गेरी गज जो लोक नृत्य है वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? 15 का A, भगवान बिरूबा की आराधना से। वहाँ पर भगवान बिरूबा की जब आराधना की जाती है तो वहाँ पर धन गेरी गज नाम का एक नृत्य किया जाता है। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित की वास्तुकला शैली पर विचार कीजिए। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, माढ़ेरा का सूर्य मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर। अब बताना है आपको कि उपर्युक्त में से कौन नागर शैली में निर्मित है। नागर शैली क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, हो सकता है कि आप लोगों को कुछ पता ना हो, तो मैं थोड़ी व्याख्या कर देता हूँ नागर शैली की। आपको एक बात दिमाग रखना चाहिए कि उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई ना, उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला में 3 शैलियाँ मानी जाती हैं, निर्माण कला की 3 शैलियाँ मानी जाती हैं। सबसे पहले बात होती है यहाँ पर नागर शैली की, अभी बताता हूँ कि नागर शैली क्या होता है। ठीक है, दूसरा होता है यहाँ पे वेसर शैली। ठीक है, और तीसरी जो शैली है उसका नाम क्या है, तीसरी शैली का नाम है यहाँ पे द्रविड़ शैली। तो ये 3 शैलियाँ हैं जो कि उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला से संबंधित हैं।
तो अब आपको मैं बताता हूँ कि ये जो नागर शैली है ये क्या होती है। देखो, नागर शैली के मंदिरों की जो पहचान होती है वो आधार से लेकर शिखर तक, अभी आप जाके देखो अगर जो नागर शैली के मंदिर हैं, देखो यहाँ पे सही विकल्प क्या है, पहले ये भी जान लो, यहाँ पे सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी 2 और 3, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे कोणार्क का सूर्य मंदिर और 3 माढ़ेरा का सूर्य मंदिर, ये दोनों ही जो है नागर शैली में निर्मित हैं। तो इंटरनेट पे आप इनकी तस्वीर खोजना तो आपको कुछ नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। आप देखोगे कि ये चतुष्कोण बनी हुई हैं, यानी कि ये जो नागर शैली थी इसमें जो मंदिर होते थे वो नीचे से लेके ऊपर तक वो चतुष्कोणी होते थे, यानी कि उनका जो शीर्ष होता था और उनका जो आधार होता था वो चतुष्कोणी होते थे, ठीक है। तो जब इस प्रकार के मंदिर बनते थे तो उन्हें माना जाता था कि ये नागर शैली के मंदिर हैं। हालांकि इनकी कुछ और भी पहचान है, लेकिन बस इतना ही आप समझ लो कि ये चतुष्कोण बने होते हैं आधार से लेके शिखर तक, नागर शैली की ये विशेषता होती है। अब देखो यहाँ पे सवाल है 17, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं किसमें, और इसका सही विकल्प आपको बताना है ए महाभारत, बी भगवान कृष्ण के जीवन से, सी रामायण से, या फिर डी राजपूत राजाओं के जीवन से। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, यहाँ पे सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी भगवान कृष्ण के जीवन से। तो देखो ये चीज़ें आपको रट लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर स्थित हैं, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अजमेर में स्थित हैं। ओके, अब एक कथन है और उसका कारण है, अब आपको बताना है कि कथन और कारण में से कौन कौन से सही हैं, क्या कथन का जो कारण है सही व्याख्या करता है या नहीं करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको नीचे दिए गए कूटों में से चयन करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कथन। कथन है कि ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन से 1922 में समझौता किया था, ये तो सही है, ठीक है। दूसरा है कारण, बिजोलिया जागीरदार ने 1922 के समझौते की भावना को मानने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पे देखो, दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए तथा निम्नांकित कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसका देखो सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है, तो आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन 1, ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ये ए की सही व्याख्या भी है। ओके, अब आते हैं इस वीडियो का ये मॉक टेस्ट का ये अंतिम सवाल है, और राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है, आपको बताना है कि कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनकी तिथि क्रम क्या है, ठीक है, कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनकी तिथि क्रम क्या है, यानी सबसे पहले कौन सा मेला लगता है और सबसे बाद में कौन सा मेला लगता है, और यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा, सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी 4 सही है। सबसे पहले बात होती है यहाँ पे, देखो 3, 1, 2, 4 सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो क्या लगता है, ऊँट उत्सव लगता है बीकानेर में, उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है आपका मरुस्थल मरु उत्सव, ठीक है, तीसरे स्थान पे क्या आता है हाथी उत्सव, ठीक है, और उसके बाद एक बचा है ग्रीष्म उत्सव, तो चलो हम 4 स्थान पे रख लेते हैं। तो ये सही क्रम है कैलेंडर वर्ष के अनुसार। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसकी अगली सीरीज भी जल्दी अपलोड कर दी जाएगी, बहुत जल्द जो है आपके लिए कुछ स्पेशल मॉक टेस्ट के वीडियोज़ भी अपलोड किए जाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और इसलिए हमारे चैनल पर आप बने रहिए। देखो, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से निवेदन है कि नीचे वीडियो के जस्ट नीचे लाल रंग का एक सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा होगा, उसको आप लोग प्रेस कर दीजिए, और उसके बाद आगे एक बेल बनेगी उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपके मतलब का हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको वॉच कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।